अमरावती जिल्ह्यातील मोर्शी तालुक्यातील पाळा भिवकुंडी बाहीपूर हेवरखेड शिवारात टोळधाड आली असून पान फस्त करून ही टोळधाड मोठे नुकसान करत आहे। या टोळधाडीवर अग्निशमन यंत्राने फवारणी करून प्रभावी उपाययोजना करावी अशी मागणी माजी कृषी मंत्री डॉ अनिल बोंडे यांनी केलेली आहे। कोरोनाच्या संकटासोबतच मोर्शी तालुक्यातील टोळधाडीचं नवीन संकट आलं आहे। पाळा इथून सोनू राणे, प्रश्नात राणे, रुपेश राणे, अजय गुलधे, किशोर गावंडे, शेंदूरकर, प्रकाश ढोके, ओंकार साठे, बाईपूर इथले विवेक राऊत, अनिल शिंदे, वायकुळ गुरुजी यांच्या शेतातील संत्रा झाडे आणि मकाचं पूर्ण पाने फस्त करून मोठं नुकसान केलं आहे। 3 किलोमीटरच्या आडव्या पट्ट्यानं करोड्याच्या संख्येनं ही टोळधाड पुढे सरकत आहे। या टोळधाडीनं अंडे टाकल्यामुळे अधिक जास्त प्रमाणात नुकसान होत आहे। अमरावती जिल्हे के मोर्शी तहसील में पाळा भाईपूर भिवकुंडी कोपरा हिवरखेड इस एरिया में टिड्डू की बड़ी संख्या में धाड़ आई है। उसको मराठी में टोलधाड़ बोलते हैं। करोड़ों की संख्या में 3 किलोमीटर का पट्टा उसने आगे आगे वो बढ़ रही है। कल कोपरा में उसका रहवास था और हर एक संतरे के झाड़ के नए पन्ने, मक्का, वेजिटेबल्स वो सब फस्त करके वो सब खाके काश्तकारों का नुकसान कर रही है। बहुत सारे काश्तकारों के मुझे फ़ोन आए वहाँ पे देखने के बाद में वो काश्तकार रोने पे आ गए क्योंकि जो फसल संतरे की अभी आंबिया बाहर की निकलने वाली है वो बाहर भी उसने फस्त किया है। ये टोलधाड़ के ऊपर कल कोपरा के वहाँ पे कुछ फवारनी की गई लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। अग्निशामक दल फायर ब्रिगेड के पंप से बड़ी मात्रा में फवारनी करना जरूरी है क्योंकि ये मध्य प्रदेश से आई हुई टोलधाड़ ये आगे आगे बढ़ते रहेगी और मोर्शी और वरुड का संतरा इलाका है उसका भारी मात्रा में नुकसान काश्तकारों का होने वाला है, हो रहा है। शासन को भी विनंती है कि तुरंत उसकी उपाय योजना करें और ये टोलधाड़ के ऊपर टिड्डू धाड़ के ऊपर नियंत्रण करें और जो काश्तकारों का नुकसान हुआ है उनको नुकसानी का मुआवजा मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इमीडिएट सर्वेक्षण भी शुरू करें और उनको